एक घराने को आप फॉलो करना चाहिए। घराने के बारे में मैं बोलता हूँ, बहुत लोगों को घराने के मामले में बहुत संकुचित भावना है। आज जितने घराने हैं सभी टॉप है, ऑल घरानाज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, लेकिन लोग ऐसा क्यों करते हैं, यहाँ जहाँ यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। एक उदाहरण देता हूँ मैं, ईश्वर को पाने के लिए क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, बौद्ध है और कितने ही सारे रास्ते हैं, ये धर्म रास्ते हैं और एक एक रास्ते कठिन होते हैं, एक एक उतना कठिन नहीं होते। तो अब आपको घराने एक रास्ता है और आपको क्या मिलता है उधर, एक ही रास्ता पकड़ के गए तो राग दर्शन मिलता है, जैसे कि भगवान मिलता है। आप एक दिन क्रिश्चियन बने, एक दिन इस्लामिज्म बने, एक दिन ये, ऐसा हो सकता है कभी नहीं। एंड ये सभी रास्ते वेल डिफाइंड है, डेफिनेट सिस्टम्स है, जैसे कि हमारे रिलीजन्स, दे आर ग्रेट डिसिप्लिन्स। जाओ डूबो मरो उसी रास्ते में, एक ही रास्ते में, क्यों बार बार आते पीछे आते और दूसरे घराने जाते, इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं, आप पहुंचेंगे नहीं, राग दर्शन होगा नहीं आपको। तो ये बहुत लोग ये घराना यानी एक क्या बंदी खाना समझते हैं। बंदी खाना नहीं भैया, बंदी खाना नहीं, इसमें कितना ही फ्रीडम है आपको, आप सोचो, यूज योर इमेजिनेशन, उपज करो, इसीलिए ख्याल बन गए ना, इमेजिनेशन इज ख्याल। तो ये कोई भी घराना बंदी खाना नहीं है, वो सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर आप कोई भी महल बनाओ या छोटा सा घर भी बनाओ। इसीलिए हर गायक उसी घराने का होने के बावजूद अलग अलग दिखता है। हाँ, दिखता क्योंकि है। उसका खुद का विचार खरे कैसे भी हम उसी स्ट्रक्चर पे अपना मैंशन बनाएंगे या छोटा सा घर बनाएंगे या स्काई स्क्रेपर बनाएंगे, बेस तो ये बेस को समझना चाहिए। परसों मैंने कोई बड़ा संगीतकार विद्वान है उनसे सुना, वो अभी यही मस्ट बी अराउंड 70-72, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, बच्चों को बोल रहे अरे घराने में क्या रखा है, गाओ क्या अच्छा लगता है वो गाओ। आई मुझे बहुत दुख हुआ, अरे बच्चों के सामने आप ऐसा बात करते, वो लर्नर्स हैं, आप इसी घराने में पल के आए, इतना नाम कमाए, इतना सब अवार्ड्स मिले आपको, जब ऊपर जाता है तो छिटकारते हैं उसको, घराने को। मुझे बहुत बहुत दुख हुआ। घराना इज अ सेक्रेड थिंग, पूजनीय है, श्राइन है, पूजनीय है। सुबह उठते ही आप घराने के बारे में सोचो, जैसे कि भगवान को आप याद करते हो, क्योंकि ये घराना इज अ योगा फॉर मी, इट्स मेडिटेशन फॉर मी। मैं कभी भी कह नहीं सकता कि मैं एक राग पे काबू पाया, नहीं। हम जब जब गाते हैं तो विनीत होके मन में प्रार्थना करते हैं कि ये सुर आ जाए, ये राग का सुर आ जाए हमको। आप इसलिए मैं मेरे शागिर्दों को बोलता हूँ, जब वो आते हैं वो शूज़ बाहर रख के आते ना, मैं बोलता हूँ शूज़ के अलावा आप अपना जिद और जलसी और ईगो वहीं छोड़ के खुला आत्म से आ जाओ अंदर, तब भी आपको थोड़ा सा तो कुछ दृष्टि दिखाएगा। ये जूते के साथ वो भी फेंक गया,
निर्मल होके आ जाए, बिल्कुल, क्योंकि ये भक्ति का विषय है। म्यूजिक इज अ विषय, सब्जेक्ट ऑफ भक्ति। जैसे कि हम भगवान को प्रार्थना करते हैं विनीतता से, और नहीं तो प्रेम में प्रेमी को हम कितना मनाते हैं ना, अरे ऐसा हम शुरू से करते हैं। पंडित जी, आप थोड़ा हमको इस बारे में बताइए कि जितनी रिकॉर्डिंग्स हुई हैं अभी तक में जयपुर अतरौली की, आपके द्वारा, आपके पिताजी के द्वारा, और दूसरे, तो अभी भी क्या कुछ ऐसे राग रह गए हैं जो नहीं रिकॉर्डेड हैं? लेकिन एक एक राग को आधे आधे घंटे आप गाना चाहिए मिनिमम, तब उसका स्वरूप पूरा दिखाई देता। तो अभी प्रयत्न चल रहे हैं, किसी ने कांटेक्ट किया है, अभी बहुत सारे। तो उस उन रागों की सूची या कौन से राग हैं जो मैंने वो असल में हम लोगों को अगर मिल भी जाते हैं तो उसके बारे में खास तौर से फोकस किया जा सकता है कि किस तरह से? बहुत सारे हैं, उनको करना है, किसी को करना है सिर्फ 5 मिनट के लिए नहीं, आधे आधे घंटे का। रिकॉर्डिंग तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तभी वो रहेगा आगे, रहेगा और सीखने को भी। और खास तौर से जैसा कि आपने बताया कि जयपुर अतरौली घराने में कोई भी चीज ऐसी बंधी बधाई नहीं है कि जो कि आपने गाया और उन्होंने सीख लिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो उसको तो सुनना ही पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तो उसके लिए तो आपको अपना ये है, गौरी में भी एक राग है, गोधुनी गौरी। आन सदना मोरे छान दे गना, सदना मोरे छान दे तपत तूर भये सदना मोरे छान। ऐसे बहुत सारे राग हैं। ये बनारस में ठुमरी भी गौरी राग की गाई जाती है, तो वो भी जो ये मगर ऐसा निषाद का जो एक बल है गौरी के अंदर, कहाँ पे जी हाँ रुकने का न्यास जो आप करते हैं, तो इसके अंदर गौरी राग के अंदर एक मिठास है, इतनी है कि वो ठुमरी में भी प्रयुक्त हो रही है और शुद्ध गायकी में भी चल रही है। और तो इस तरह के बहुत से मीठे राग हैं, सोरठ भी उनमें से आप, सोरठ भी, जो सोरठ हमारे ख्याल से किसी और घराने का हमने नहीं सुना है अभी। सोरठ और देश का ये कंट्रोवर्सी भी है ना, अब हर हो भोलाना हे बने अब हर हो भोलिया ना हे बने पतित उधार गिरिधार सुख में मित्र घने हो बोलिया सुख में मित्र घने हो बोलिया ना ये बने। हाँ सोरठ कहते हैं, वो मध्यम
जो है वही बिल्कुल जैसे दूसरे चंद्रमा की तरह चमकने लगता है। क्या बात जी, एक षड्ज तो है ही है लेकिन मध्यम भी दूसरा चंद्रमा बन जाता है। तो आज जयपुर घराने में ठुमरी वगैरह गाने का प्रचलन? ठुमरी तो अल्लाह खान साहब कभी नहीं गाए, लेकिन मंजी खान साहब गाते थे। अगर मंजी खान साहब और रहते हैं 5-10 साल, पिताजी बोलते हैं कि हिंदुस्तानी ख्याल गाने का रूप ही बदल जाते। लेकिन वो भी बहुत ख्याली व्यक्ति थे, अभी आए तो गाते थे, मन में आए तो। ही वॉज अ फॉरेस्ट ऑफिसर, कोल्हापुर में ही वॉज अ फॉरेस्ट ऑफिसर। तो आज यहाँ पे जो दुर्लभ राग प्रसंग के अंतर्गत जो ये संगोष्ठी छोटी से आयोजित हुई है, इसमें बहुत कुछ ऐसा हम लोगों के पास जानकारी एकत्रित हुई है, समझने का मौका मिला है। पंडित जी का यहाँ पे आना, हम लोगों से बातचीत करना, ये भी एक अपने आप में दुर्लभ संयोग है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पंडित जी।